गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 में 15.2 अपने 10th में 15.2 अपनी चल रही थी और चार क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे तो आपने कर भी लिए होंगे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक 5 नंबर और 8 नंबर दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है, एक वॉच दे रखी है आपको, यानी एक घड़ी दे रखी है जिसके मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई की जो लेंथ है वो दे रखी है, वो दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वॉच जो होती है, घड़ी जो होती है, उसकी सुई जो होती है वो हमेशा सर्कल के टाइप में चलती है, यानी राउंड 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 जब भी लेगी वो तो बिल्कुल गोल लेगी सर्कल के जैसे। इसलिए हम चाहे मिनट हैंड हो चाहे आवर हैंड हो, हम उसको हमेशा रेडियस ही मानते हैं। तो रेडियस हमारे पास आ गया 10.5। अब ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो चलती है सिर्फ 10 मिनट। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये घड़ी थी, मिनट की सुई पहले यहां थी, 10 मिनट में यहां आ गई। अगर इसको आर मानते हैं तो ये अपना एरिया लग गया इसमें सेक्टर का, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हमारे पास आर है लेकिन थीटा नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। अब आपको पता है मिनट की सुई जब वापस यहां से लग करके वापस एक राउंड लगाएगी तब उसका एक चक्कर पूरा होता है, वन राउंड पूरा होता है। मिनट की सुई यहां से लेकर यहां तक आती है तो उसको टाइम लगता है 60 मिनट। 60 मिनट में एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 360 का, क्योंकि 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। और घड़ी मिनट सुई चलती कितनी देर है, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 10 × 6 = 60 डिग्री। यानी कि मिनट की जो सुई है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का। तो थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। पूछ रखा है एरिया, आप अच्छे से जानते हो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा फिर बता देता हूं, मिनट की बात होगी, एक राउंड एक चक्कर पूरा करती है मिनट की सुई, एक चक्कर पूरा करती है तो उसको 60 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है, एक सर्कल बनाती है, एक सर्कल की वैल्यू 360। 60 मिनट में एंगल बनाया 360, एक मिनट में बन गया 6 डिग्री 6 डिग्री, तो 10 मिनट में बनाएगी 60 डिग्री। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि रेडियस के द्वारा जब भी आकृति बनती है या डायग्राम बनता है उसको हमेशा बोला जाता है सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो इंपॉर्टेंट और है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मिनट हैंड थी, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपकी आवर हैंड। यानी कि एक घड़ी है जिसका आवर हैंड की जो लेंथ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, हम उसको रेडियस मानेंगे, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है 70 मिनट में जो एरिया बनता है आवर एंड के द्वारा उसका एरिया फाइंड करना। काफी किताबों में ये 7 मिनट लिखा हुआ है तो आप इसको 70 मिनट कर लीजिए। 70 मिनट करते ही ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि अगर वॉच में घंटे की सुइयां होगी तो 70 मिनट में थोड़ी सड़कें यहां आएगी, तो नो डाउट एरिया ऑफ सेक्टर ही लगेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर आपके पास सामने है, थीटा आपके सामने नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे थीटा फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है आवर एंड। तो जैसे घंटे की सुई अगर यहाँ होती है वो वापस एक राउंड लगा करके यहाँ आएगी तो उसको लगेंगे 12 घंटे, 12 आवर्स, 12 आवर्स लगते हैं। 12 घंटे में घंटे की जो सुई होती है ग्राउंड पूरा करती है,
और एक घंटे में आपके जो मिनट होते हैं वो होते हैं 60, तो 12 आवर में आपके मिनट कितने हो जाएंगे, 720। यानी कि जो घंटे की सुई है वो क्या करेगी कि 720 मिनट 720 में 720 डिग्री में एक राउंड पूरा करती है, यानी एंगल कितने डिग्री का बनाएगी, 360 का। और एक मिनट में एंगल कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री का। और घंटे की सुई चलती कितनी है, 70 मिनट, 70 मिनट में एंगल कितना बनाएगी, 35 डिग्री का। यानी कि जो थीटा था, जो एंगल था, वो हमारे पास आ गया। इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें आवर आवर एंड है। तो 5 नंबर क्वेश्चन था, उसमें मिनट हैंड था, मिनट हैंड, मिनट की सुई 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है, और जो आवर एंड होता है उसमें घंटे की सुई जो होती है वो 720 मिनट में एक एंगल पूरा करती है। अब आपको थीटा आपके पास आ गया, आर आपके पास है, फाइंड करना है एरिया, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर आपको पता है 5 × 5, थीटा आपने फाइंड कर लिया 35, 360। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोबारा फिर बता देता हूं, काफी किताबों में यहां 7 लिखा हुआ है, आप उसको 7 भी कर लेना। व्हेन यू विल सॉल्व इट आपका आंसर आएगा 7.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालते हैं। अब क्वेश्चन इसमें है आपके 9, दो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं, बाकी क्वेश्चन आप करके देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक डाउट क्लास रखेंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय।